जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियाँ जो आपको बाई और दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी है। लकड़ी से बने खिड़की के फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट बिठाई गई है वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। दरवाजा है उसे गाँव में राणे नाम का एक दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह जिसे राणे कहते थे, वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब किसी का भेजकर तो क्या देखा आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अरे फिर भी जब देखा भागा है समझ कर। सुनी सुनी और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट आते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात ये सुरक्षित कमरा पूरा फैमिली यहाँ से अंदर लग के छुप जाते थे। छुपने की जगह उनका स्ट्रॉन्ग रूम आईडी रूम फैमिली का। पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर अगर डाकू ने फायरिंग किया तो ये अंदर से फायरिंग करते थे। एक आदमी ऊपर से देखता था वो डायरेक्शन देखता था। ये बनवाए गए छेद है बुलेट के नहीं, अंदर से गन डाल के डाकू को मारने के लिए अंदर से डाकू ने फायरिंग किया तो ये फायरिंग करता है। जो बड़ा छेद है छानकर स्थिति का जायजा लिया जाता है। उस जमाने का कायदा कानून बहुत कड़क था, इसलिए खिड़कियों को ग्रिल्स नहीं होते थे, आजकल होते हैं। इस घर का मिनी बार वाइन बार पुर्तगाल से वाइन लाते थे। नीचे कूलिंग डाउन, ऊपर सैंपल्स है 50-150 साल पुराने, अभी भी है, मेड इन इटाली पुर्तगाल जर्मनी उस जमाने के लोग। 1961 का थम्स अप का मॉडल, फर्स्ट टाइम इन गोवा। इसे 11 पाव कहा जाता है, 11 पाव इन्हें बड़ा बॉटल, इसमें लोकल ड्रिंक रखते थे, काजू पीने कोकोनट पीने दवा की तरह पीते थे। स्पेनिश पैकिंग है या पुर्तगाली पैकिंग है, इतना दारू है करके पानी की तरह नहीं, दवा की तरह, दे टेकिंग लाइक मेडिसिन। पेनी का इस्तेमाल सर्दी जुकाम और तेज दर्द में राहत पाने के लिए होता था। पीछे देखिए गोवा का फेमस फेस्टिवल कार्निवल, ये उधर दाखो ना, अपनी पहचान छिपाने के लिए बखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते। ये फेस्टिवल 4 दिन होता है, एक दिन पणजी, एक दिन मडगांव, एक दिन वास्को, एक दिन मापुसा, लेकिन ब्राजील में होने के बाद उस जमाने में लकड़ी के मास्क बनाते थे, अभी प्लास्टिक के बनते हैं। 200 साल पहले प्लास्टिक नहीं था भाई, एग्जांपल लगा के रखो। आ गया दाई ओर के दरवाजे से होकर ठंडे कमरे में प्रवेश करें। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाद में मेडिटेशन। ये ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रोड्रिगेज ने भी इस संग्रह में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। आगे आओ पानी पीने का बात है। और माफर पॉइंट की ओर आगे बढ़िए।
वो बड़ी हल, ये छोटी हल, बीच बीच फेरने के हल है, नांगर प्लाउ, ये छोटी पौधे लगाने, वो मिर्ची पाउडर करने का, ये रेनकोट जैसा वापर करते थे बारिश के दिन में, नारियल के पत्ते लगा के, प्लास्टिक नहीं खाने, ऊपर वो वाटिया है ना उसमें कटोरे में बीज जाते थे, नीचे ऐसा एक गिरते जाता था, पाइप है वो, ये हल दो पैरों की मदद से चलाया जाता है, आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़ेगा। चीनी मिट्टी के जार में उनमें तेल, नशा और दूसरे प्रावधान। उस जमाने के वजन में पहले शेर चलता था, अभी एक किलो ऐसे शेर का आज जैसे किलो पड़े पहले चार शेर उस जमाने का प्रेशर कुकर, इसका उपयोग सालना इन इडली बनाने को, अभी इडली को सालना कहा जाता है और इसको कोपरो कोपरो सालना सालना ये भांड आज 20 रुपए गाँव में सिटी में नहीं, गर्म पानी करके नहाने का एक आदमी को मिलेगा भी नहीं, इतना ही देखो ये बच्चों का बाटा वो भी तांबे का होता था, ऊपर देखिए आपको चार पाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी, जब भी मेहमान रात गुजारते थे इन चार पाइयों को नीचे लाया जाता, इनके पास शक्कर लेके जाते थे बड़े आदमी थे, 200-200-400 किलो शक्कर 6 महीने चला था। अभी आप पूछेंगे इंडिया नदी को कि इंडिया से शक्कर क्यों नहीं लाते, इंडिया में ब्रिटिश लोग थे, एक नहाने का कमरा है, महिलाओं का चित्र विवाद पर चित्रित किया जाता है ताकि पता चले दाई ओर का कमरा।